नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। सबसे पहले बात बरेली की, जहां जिला पंचायत में गोली चलने से क्लर्क जख्मी हो गई। महिला क्लर्क को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गोली जिला पंचायत में अपर निदेशक कार्यालय में चली। जानकारी के मुताबिक गोली लेखागार महावीर सिंह से चली है। हालांकि पूरे मामले को पुलिस और विभाग छिपाने में लगा हुआ है। ये जो सीसीटीवी है आप देख सकते हैं, गोली लगने के बाद महिला किस तरीके से तड़प रही थी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर महिला की हालत स्थिर बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि लेखागार आखिर क्यों ऑफिस में, दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में ये अपनी जो पिस्टल है वो लेकर गया, और ये पिस्टल लोडेड क्यों थी, ये भी बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है, वो ये है कि विभाग और पुलिस दोनों ही इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तर से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसीलिए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और अब खबर जौनपुर से, जहां दबंगों के कहर का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला सुजानगंज थाना क्षेत्र के मोलनपुर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने जमीन से जुड़े विवाद में जमकर लाठी डंडों से मारपीट की। दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। तब से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको जौनपुर से दिखा रहे हैं। जमीनी विवाद में दबंगों का कहर देखने को मिला है, और बड़ी बात यह है कि इस हमले में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। यानी जो सामने आया उस पर लाठियों की बरसात की गई। कई लोग घायल हुए हैं इस पूरे मामले में, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया था, लेकिन जब से वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में नजर आया कि बड़ी ही बर्बरता के साथ एक पक्ष की पिटाई की जा रही है, तब जाकर पुलिस इस मामले में जुट गई है जांच के लिए। उधर आगरा में नाबालिग की सरेआम पिटाई की गई। तमाशबीन बने लोग पिटाई देखते रहे। मामूली विवाद में दबंग ने नाबालिग को पीटा है। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे एक नाबालिग की पिटाई एक शख्स कर रहा है। सड़क पर लिटाकर उसे मारा जा रहा है। आसपास आपको अच्छे खासे लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी। बाइक रोककर लोग इस तमाशे को देख तो रहे हैं, लेकिन कोई ये जहमत नहीं उठा रहा कि इस नाबालिग को, इस युवक के चंगुल से बाहर निकाल लिया जाए। इस युवक को बोला जाए कि भाई देखिए आप इसे क्यों पीट रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। हालांकि बाद में एक शख्स जरूर बीच बचाव करने के लिए आते हैं, लेकिन बाकी लोग सिर्फ तमाशबीन बने देखते रहते हैं इस पूरे ड्रामे को, लेकिन कोई भी इस नाबालिग को बचाने के लिए सामने नहीं आता है। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में नाबालिग की सरेआम पिटाई की गई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। स्कूटी सवार, बाइक सवार, पैदल जाते हुए लोग सब रुक रुक कर देख रहे हैं, लेकिन कोई इस पूरी पिटाई को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला कीटगंज थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी न्यू बैरहना का है, जहां पर बीती रात शातिर चोरों ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां के आवास में लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने घर के कई दरवाजों के ताले तोड़ने के बाद खिड़कियां भी तोड़ दी हैं। लाखों रुपये दान पात्र से और अन्य कीमती सामान ले गए हैं। चोरी की पूरी वारदात घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में चार शातिर चोर नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि देर रात किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां अपने आवास पर मौजूद नहीं थी, जिसके चलते चोरों ने बड़े ही आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया गया है। वहीं झांसी के इलाहाबाद बैंक चौराहे पर लुटेरों का आतंक देखने को मिला है। सोमवार को दो स्कूटी सवार ने एक राहगीर का सरेआम मोबाइल लूट लिया। सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद हो गई। पीड़ित ने काफी दूर तक दोनों का पीछा किया, बाद में उसने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, झांसी से ये तस्वीरें हैं।
तो राह चलते मुसाफिर के साथ ये छीना झपटी की गई है। सीसीटीवी में ये जो पूरी घटना है वो कैद हो गई। इलाहाबाद बैंक चौराहे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मोबाइल लूटा गया है राह चलते मुसाफिर का। काफी दूर तक भागकर इस शख्स ने कोशिश की कि वो इन बदमाशों को रोक सके, लेकिन वो स्कूटी से फर्राटा भरकर बड़े ही आसानी से फरार हो गए। लेकिन ये जो पूरी वारदात है ये जरूर सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देखिए, बड़ी ही आसानी से पीछे से ये लोग आते हैं और फिर मोबाइल छीन कर राहगीर का वहां से फरार भी हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। बाद में जो पीड़ित शख्स है वो कोशिश करता है कि भागकर पकड़ ले, अपना मोबाइल वापस ले ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बढ़ते हैं आगे, बुलंदशहर से खबर है जहां होनहार छात्रा सुदीक्षा की मौत के मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और ना ही बुलेट से छेड़खानी के आरोपी युवकों की पुलिस तलाश कर पाई है। हालांकि यूपी डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी ने कहा है कि सुदीक्षा की मौत सड़क हादसे की वजह से हुई है, जिसमें उसका नाबालिग भाई स्कूटी चला रहा था, जबकि सुदीक्षा के परिजनों का आरोप है कि उसे रास्ते में बुलेट सवार मनचले परेशान कर रहे थे। हादसे के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दो बाइक सवार दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सुदीक्षा गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली थी, लेकिन उसका परिवार बुलंदशहर में रहता है। सुदीक्षा अपनी ननिहाल औरंगाबाद जा रही थी, तभी बुलंदशहर औरंगाबाद रोड पर बाइक से जाते समय एक बुलेट वाले ने ब्रेक लगाया और इसी दौरान सुदीक्षा की बाइक गिर गई, जिससे सुदीक्षा की मौत हो गई। आपको बता दें कि सुदीक्षा भाटी अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। बुलंदशहर में 12वीं टॉप करने के बाद भारत सरकार की स्कॉलरशिप पर वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। अभी वो छुट्टियों पर घर आई थी। 20 अगस्त को उन्हें अमेरिका वापस लौटना था, लेकिन अब हादसे में उनकी जान ही चली गई है। बागपत के छपरौली में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या के बाद छपरौली इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उधर बीजेपी सांसद विधायक जिलाध्यक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान भी संजय खोकर के घर पहुंचे और परिवार के लोगों को सांत्वना दी। वहीं आईजी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले में संजय खोकर के बेटे ने 4 युवकों को नामजद करते हुए 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है और इस हत्या की वजह 2018 में पुरानी रंजिश बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस का ये नाकामी है, भ्रष्टाचार है, जो सही जो अपराधी उनको पकड़ा नहीं जाता है। और किसी के दबाव में दोबारा मैं बहुत कह रहा हूँ, आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सुना भी होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने ही बोला, मैं भी इस बात की मांग करता हूँ कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी गांव के हों, किसी के भी रिश्तेदार हों, सबसे पहले तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। केवल एक गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी, जो भी गुंडे तत्व हैं यहाँ पर क्षेत्र के अंदर, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप लगातार कह रहे हैं, तो क्या वे सुनवाई नहीं कर रहे आपको, आपके कहने के भाई सुनवाई होती तो ऐसे क्यों होगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, मेरा काम है, मैंने लिखित में भी बात दी है, ऊपर भी ये बात बताई है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय खोकर की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया था। जिस सूबे में अपराध को जड़ से खत्म करने की मुहिम चल रही है, वहां के बागपत में बीजेपी नेता संजय खोखर की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है और यही वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिया है। संजय खोखर की उस वक्त गोली मारकर हत्या की गई जिस वक्त वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। वापस लौटते समय रास्ते में बदमाशों ने उन्हें खेतों में घेर लिया और तमंचे से 3 गोली मारकर हत्या कर दी।
उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनने के बाद स्थानीय लोग घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। गांव वालों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर जांच शुरू कर दी। पूछताछ में रिंसन मामला प्रकाश में आया है और वैसे तहरीर भी नहीं दी गई है। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई हैं। सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। जल्दी ही मुजरिमों की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना की जांच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि छपरौली इलाके के तिलवाड़ा निवासी 52 वर्षीय संजय खोखर RSS से जुड़े थे और काकोर कला गांव के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाते थे। संजय खोखर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के जिला अध्यक्ष बने थे। 3 साल तक इस पद पर रहे और इनके ही कार्यकाल में पार्टी ने बड़ौत और बागपत विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भी नाराजगी है। लोग जल्द से जल्द कातिलों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि फिलहाल किसी से ये बात पता नहीं चल सकी है कि संजय खोखर की हत्या किस मंशा से की गई है और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। राजीव पंडित, बागपत, ABP गंगा। बिजनौर में नदी के उफान ने एक बार फिर एक गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से बचने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर ने यात्रियों से भरी कार को नदी से गुजारने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव में गाड़ी बहती चली गई। बड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। आप देखिए, एक ड्राइवर जो कि यात्रियों की जान जोखिम में डालकर नदी के बीच में से इस टैक्सी को पार कराना चाहता था, लेकिन बारिश का मौसम है, ऐसे में तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। ये एक छोटी सी भूल कितनी भारी पड़ सकती थी, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बाद में क्रेन को बुलाया गया, तब जाकर इस टैक्सी को बाहर निकाला गया है। बिजनौर से तस्वीरें। यूपी में बाढ़ से 17 जिलों के लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। ऊंचे बांधों पर शरण लेने वालों की मदद के खूब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर के बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकारी मदद के नाम पर उन्हें केवल एक प्लास्टिक मिली है। राशन, दवा और दूसरी सुविधाओं का अब तक इंतजार है। जब खेतों में पानी हो, घरों में पानी हो, तो जाएं कहां? मजबूरन बाढ़ पीड़ितों ने ऊंचे बांधों पर शरण ली। गोरखपुर के करीब 114 गांव में यही हाल है। करीब 76,000 लोग बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में एबीपी गंगा की टीम ने इन बाढ़ पीड़ितों के हालात का जायजा लिया। उत्तरी कोलिया के बड़का टोला में लोग पिछले एक माह से इसी हाल में हैं। बंदे पर खुद रह रहे हैं और अपने मवेशियों को भी बांध रखा है। समस्या ये है कि खुद क्या खाएं और मवेशियों को क्या खिलाएं? कि राशन नहीं बटा है, भूखा प्यासा नहीं, सड़के पर कहां कहां से पानी ला करके पी रहे हैं, खा रहे हैं, सब लोग तो परेशान है। कितने दिन से ऐसे ही है? अरे धीरे धीरे 1.5 महीना हो गया है। यह बाकी हम भूखा दुखा गोरुन के मनाइन के कुछ मिले चाहिए, हाँ कुछ मिले चाहिए। पानी में बाटी सब है, घर है, द्वार है, मड़ई डर बाटी सब है। यहाँ जितने परिवार, दर्द की उतनी कहानियाँ। किसी को खाने की दिक्कत, किसी को दवाई की परेशानी, कोई बीमार है तो कई बुजुर्ग और लाचार है। सबकी आस बस मदद पर टिकी है। तो ये आप लोगों कहाँ जाए जा? कैसा गिरा है? बाढ़ से गिरा है। अरे हम लोग को झोपड़ी खेत में डाला हुआ बुड़ गया है। कितने दिन से है? 1 महीना हो गया, कम नहीं है। अब सवाल अहम है कि बरसात के मौसम में जहां बाढ़ और बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहता, वहां ऐसे हालात में लोग बांधों पर कब तक इसी तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे? एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधर औरैया में बारिश के भयानक रूप से लोग बेहद परेशान हैं। अधिकारियों के आवास के अंदर और कार्यालय के बाहर पानी भरने से नगर पंचायत की पोल खुल गई है। औरैया जिले के बिधुना उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी के आवासों में रात में बरसात का पानी भरने से अधिकारी परेशान हैं। साथ ही नाली के कम चौड़े होने के कारण नाली से पानी ओवरफ्लो होकर आवासों में आता है।
देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, औरैया से ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर नगर पंचायत में किस तरीके से बारिश आफत बनकर आ रही है। नाली ओवरफ्लो होने की वजह से सरकारी दफ्तरों में पानी है तो घरों में भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और अब खबर सहारनपुर से, जहां जोरदार बारिश के चलते मकान भरभराकर गिर गया जिसमें तीन बच्चे दब गए। गांव के लोगों ने तीनों बच्चों को मिलकर निकाला। तीनों बच्चों में दो बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बारिश का पानी कहीं पर कहर बन रहा है, तो बारिश की वजह से जो कच्चे मकान हैं वो भी मलबे में तब्दील हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों के लिए आफत पैदा हो रही है। यही वजह है कि लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश अपना कहर बरपा रही है। देहरादून के अलग अलग इलाकों में जलभराव जैसी समस्या लोगों के सामने आ रही है। नदियां भी उफान पर हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी पानी शहर, बढ़ता जा रहा है कहर। और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता विनोद कुमार की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। एक तरफ जहां राजधानी देहरादून के तमाम क्षेत्रों में जलभराव की समस्या लोगों के सामने आ रही है, तो वहीं राज्य की तमाम नदियां उफान पर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदियाँ उफान पर है, पानी का तेज़ बहाव है। और यहाँ से टिहरी जनपद की सीमा शुरू होती है और आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि सामने मेरे की बांदल और सोंग नदी का संगम भी इसी जगह पर होता है। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश अभी आफत बनी हुई है, तो ऐसे में नदियों का उफान पर होना लोगों की मुसीबत में और इजाफा करता है। बहरहाल लगातार उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए और भी बारिश होने की आशंका जताई है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, मालदेवता, देहरादून। वहीं रुद्रप्रयाग में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। बारिश और भूस्खलन का सबसे बुरा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। तीन दिनों से केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा में बंद है। हाईवे के बाद केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले वैकल्पिक मोटरमार्ग को भी बंद कर दिया गया है, जिस कारण यात्री हाईवे पर ही फंसे हुए हैं। यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाईवे के जगह जगह बंद होने से फिलहाल यात्रा का खुलना संभव नहीं है। उधर पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित मुनसियारी इलाके में हालात अभी तक सुधर नहीं पाए हैं। धारचूला के गलाती गांव में पिछले 10 दिन से अभी भी सरकारी मदद नहीं पहुंची है। हालांकि अधिकारी जरूर बड़े बड़े दावे